हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरि नाम प्रेस वृंदावन आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अवश्य शेयर करें। साधुवाद प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। जय श्री राधे, जय निताई। ब्रज भक्ति के 64 अंग नामक ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। इसमें हम प्रथम अंग गुरु पादाश्रय का वर्णन सुन चुके हैं। आज इसका द्वितीय अंग दीक्षा व शिक्षा, इसका वर्णन सुनेंगे। भक्ति का दूसरा अंग है श्री कृष्ण दीक्षा शिक्षण। श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करना, इसे भी गुरु पादाश्रय की तरह भजन का प्रधान अंग माना गया है। दीक्षा किसे कहते हैं? श्री हरि भक्ति विलास के 27वें श्लोक में दीक्षा का तात्पर्य इस प्रकार वर्णन किया गया है कि जो दिव्य ज्ञान को देती है एवं पाप के समूह को नाश करती है, तत्ववेत्ता उपदेशदाता उसे दीक्षा कहते हैं। इसलिए साधक प्रणाम करते हुए सर्वस्व श्री गुरुदेव को निवेदन कर दीक्षा के लिए विधानानुसार वैष्णव मंत्र को ग्रहण करें। श्री जीव गोस्वामी पाद ने इस श्लोक की टीका में लिखा है, दिव्यम ज्ञानम रात्र मंत्रे भगवत स्वरूप ज्ञानम तेन भगवता संबंध विशेष ज्ञानंच। भक्ति संदर्भ 283। उक्त श्लोक में दिव्य ज्ञान शब्द का अर्थ है श्री मंत्र में भगवत स्वरूप का ज्ञान तथा उस भगवत स्वरूप के साथ संबंध विशेष का ज्ञान। जिस भगवत स्वरूप की उपासना साधक करना चाहता है उस स्वरूप के ज्ञान कराने वाले मंत्र को ही श्री गुरुदेव साधक शिष्य को दिया करते हैं। इससे साधक अपने इष्ट देव के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करता है और उसके साथ साथ संबंध विशेष का ज्ञान भी प्राप्त करता है। श्री भगवान के साथ जीव का संबंध है सेव्य सेवक संबंध, अर्थात जीव सेवक है और भगवान सेव्य हैं। किंतु यह संबंध का साधारण सा परिचय है। सेवक भी अनेक प्रकार के हैं, जैसे दास्य, सखा, माता पिता आदि के अनेक भावों से श्री भगवान की सेवा की जा सकती है। यह भाव संबंध के विशेषत्व का परिचय देने वाले हैं। साधक दास्य, सख्य आदि जिस भाव से भगवान की सेवा करना चाहता है उसी भाव के लीला विलासी श्री कृष्ण के स्वरूप का परिचय दीक्षा मंत्र से ही प्राप्त होता है। उस स्वरूप के साथ साधक के भावानुकूल संबंध का परिचय भी दीक्षा मंत्र से ही प्राप्त हुआ करता है। इसी ज्ञान को ही उक्त श्लोक में दिव्य ज्ञान शब्द से कहा गया है। दीक्षा के संबंध में और भी कहा गया है, ये हरिभक्ति विलास धृत वचन है। आयुर्वेद शास्त्र के विधान के अनुसार पारे के योग से तांबा जैसे सोना बन जाता है, उसी प्रकार के विधान योग से मनुष्य द्विजत्व को प्राप्त करता है। जन्म भी दो प्रकार का है, व्यावहारिक और पारमार्थिक। माता पिता के शुक्र शोणित से जो जन्म होता है वह है व्यवहारिक जन्म, और मंत्र दीक्षा से जो जन्म होता है उसे पारमार्थिक जन्म कहा गया है। व्यवहारिक जन्म का फल है व्यवहारिक संबंध, अर्थात पिता, पितामह आदि से वंश के आदि पुरुष के साथ संबंध। पारमार्थिक जन्म का फल है पारमार्थिक संबंध, अर्थात गुरु, परम गुरु, क्रम से अपनी संप्रदाय के आदि गुरु से संबंध और
उनकी कृपा से श्री भगवान के साथ संबंध। व्यावहारिक जन्म को शौक्र जन्म भी कहते हैं और परमार्थिक जन्म को भागवत जन्म भी कहा गया है। शौक्र जन्म से मनुष्य पिता पितामह की व्यावहारिक संपत्ति का अधिकारी होता है और भागवत जन्म से शिष्य गुरु परंपरा की पारमार्थिक संपत्ति का अधिकारी होता है। शौक्र जन्म तो मनुष्य का पहला जन्म है और उसके बाद दीक्षा ग्रहण कर लेने पर भागवत जन्म होता है जो दूसरा जन्म कहलाता है, इसलिए इसे द्विज कहते हैं और भागवत जन्म की प्राप्ति को द्विजत्व प्राप्ति कहा गया है। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने इसी श्लोक की टीका में लिखा है, नृणा सर्वेशामेव द्विजत्वम विप्रता, अर्थात दीक्षा लेने से सब मनुष्यों को ही, यहाँ तक कि शूद्रों को भी द्विजत्व या विप्रता प्राप्त हो जाती है। शौक्र ब्राह्मण वेद पाठ करने से ही विप्रता को प्राप्त करता है, वेद पाठाद भवेद विप्रह, परंतु दीक्षा ग्रहण करने से शूद्र वेद पाठन करने पर भी विप्रता ब्राह्मण को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि दीक्षा विधान से शूद्र को भी वेद पाठ का फल प्राप्त होता है। भागवत जन्म से गुरु परंपरा के क्रम से शिष्य का श्री भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, जिस संबंध के ज्ञान की भगवत भजन में परम आवश्यकता है। इसलिए भजन करने के इच्छुकों के लिए मंत्र दीक्षा लेना परम आवश्यक है। हम देखते हैं श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्हें भजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए उन्हें दीक्षा लेने का भी कोई प्रयोजन नहीं था, परंतु लोक लीला में उन्होंने भी श्रीपाद ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ग्रहण की, केवल साधकों को दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता जतलाने के लिए। शेष अगले वॉइस नोट में। जय श्री राधे, जय नेताई। भजने ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय निताई।